हल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हम यूज बॉड मास करेंगे। बॉड मींस बी मींस ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ मींस मल्टीप्लाई होता है, देन क्या होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट्स तो नहीं है, ब्रैकेट्स के बाद ऑफ भी नहीं है, आग बात क्या डिवीजन है। तो पहले हम डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 4 × 1 = 7/4 × 9/14 प्लस, अब देखिए 4/5 है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस का साइन है, डिवाइड का, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें 10/3 हो गया। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 × 1 = 7, 2 = 14, तो 9 × 1 = 9, 4 × 2 = 8 प्लस, अब देखिए 5 × 2 = तो 4 × 2 = 8 बाई 3 × 1 = 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 × 3 = 24, तो 9 × 3 = 27 प्प्लस 8 × 8 = 64। ऐड कर दीजिए बच्चों कितना हुआ, 7 × 4 = 11, 1 = 6 × 8 = 19/24। अब इसको 2 times ले जाएं, कितनी बार 2 times, तो कितना हुआ 24 × 2 = देखिए इस तरीके से 24 × 2 = कितना होता है 48, तो 2 times नहीं तो 24, तो 48 कम हो जाएगा 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 × 2 = 8, 4 + देखिए 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8 ज़्यादा हो जाएगा 3 × 3 = 4 = 12, 1 × 3 = 6 = 7, सबट्रैक्ट करें कितना आया 1 × 11 = 9 और 8 में से 19, तो यहाँ पे 3 × 19 ये आंसर हुआ। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट आप है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 3 × 2 = 1, 3/2 / 3 × 4 = 12 and 3 = 12, 3 कितना हुआ 15/4 × 2/15 ऑफ मींस मल्टीप्लाई। तो पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ वाला पार्ट करेंगे, इंटू कर देंगे 11 × 11 = 11, 4 कितना होता है 15/11। अब देखिए बच्चों इसको जो है पहले सॉल्व करेंगे, तो 15 से 15 कैंसिल हुआ, तो अर्थात इसका क्या 3/2 / 15/4 × 2 × 2 = 11 × 11। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए अब ये वाला डिवीजन वाला पार्ट करेंगे, तो 3/2 × कितना 4/15 और ये इंटू में है, इंटू में रहने तो 2/11। अब इसमें देखिए कुछ डिवाइड होगा, अगर डिवाइड होता है तो इसको सॉल्व करिए, नहीं होता है तो मत सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जब डिवाइड किए तो यहाँ पे आया 2 × 2 = 4, 3 × 5 = 15, इसका आंसर कितना है 2 × 2 = 4 और 11 × 5 = 55, तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक, आप देखिए बच्चों इसका ब्रैकेट दिया है, तो पहले ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3/5 प्लस, देखिए ब्रैकेट में 7 × 2 = 14 × 2 = 16, 7 − 3 = 3 और 1 = 4/3 × 4 = 4 और 7/4। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसमें एलसीएम 21 होगा, 16 × 3 = 48 − 7 = 4 = 28 × 7/4। अब देखिए इसमें 3/5 प्लस करेंगे, इसको सबट्रैक्ट किए 40 में से, तो कितना हुआ 20/21 × 7/4। अब देखिए 4 × 5 = 20, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो देखिए 3/5 + 5/3, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 15, तो 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25, ऐड करेंगे 34/15 और इसको देखिए सॉल्व करें 15 × 2 = 34 और यहाँ पे 15 × 30 और 1, तो ये मेरा आंसर हुआ। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक ये बार ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट और एक बड़ा बिग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर ये सॉल्व करते हैं, फिर ये सॉल्व करते हैं, देन ये सॉल्व करते हैं, इसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए ये वाला है, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, बार नहीं है तो उसको भूल जाइए। 3 × 9 = 10/3 − 3 × 6 = 7/3 प्लस, अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 2 − 1
अब इसको किए 10/3 माइनस 7/3 प्लस, देखिए 2 में से 1 सबट्रैक्ट किए 1/3, अभी छोटा ब्रैकेट हट गया। अब देखिए इसमें भी एलसीएम सेम लेंगे, वही 3 लेंगे तो 7 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों 10 माइनस 3 माइनस 8/3। अब देखिए इन दोनों को एलसीएम सेम है वही, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2/3 और यही मेरा आंसर हुआ। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था पहले छोटा ब्रैकेट फिर मचला फिर बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो पहला ये फिर ये सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 1 2 और 2 2 4 और 1 5/2 प्लस, देखिए 4/5 ही रहेगा प्लस, इसको 3/5 ही रखेंगे माइनस, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 2 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे वही आएगा 0 बच्चों, ये 0 हो गया तो इसको भूल जाइए। देखिए 5/2 प्लस ये 4/5 हुआ प्लस, देखिए 3/5 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 बचा या 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, आप देखिए इसको जब सॉल्व किए 5/2 प्लस इसका एलसीएम लिए 4/5 प्लस 3/5, अब इसका देखिए 5/2 प्लस कितना हुआ 5/4 7 हो गया, अब इसका एलसीएम लेंगे 5/2 10 तो अब 5/5 25 प्लस 14 एंड सब ऐड किए कितना हुआ 39/10, इसको ऐसे करेंगे तो 3 10 30 हुआ, तो मेरा ये आंसर हुआ। ठीक, हाँ देखिए बच्चों एक मिस्टेक है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अब देखिए इसको कर देंगे तो इसका आंसर ये आएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 7/2, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 2 6 1, तो ये मेरा आंसर हुआ, इस तरीके से ये होगा। ठीक है।